हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर फ्लिपकार्ट यूज करते हैं और आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मंगाते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है कस्टमर केयर से बात करने की। अगर कोई प्रोडक्ट आप मंगाते हैं और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपको कस्टमर केयर पर कॉल करने की ज़रूरत पड़ जाती है फ्रेंड्स, तो आप उस कॉल को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कस्टमर केयर के, फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी बताऊँगा, आपको दो ऐसे मेथड बताऊँगा जिससे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि फ्रेंड्स एक मेथड सबको लगभग पता होता है कि गूगल पर जाके सर्च कर लें और डायरेक्ट वहाँ सर्च करके आप फ़ोन कर सकते हैं। बट मैं आपको जो दूसरा मेथड बताऊँ फ्रेंड्स, वो बहुत ईजिली है और आप बिल्कुल सिक्योर्ड है फ्रेंड्स। जी हाँ, फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप गूगल पर सर्च करते हैं और वहाँ फ्लिपकार्ट जैसे नंबर बोलते हैं, आपको फ्लिपकार्ट नंबर तो आ जाता है फ्रेंड्स, बट वहाँ पर आपको फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो आपको उस फ्रॉड से बचाने के लिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा उसको बिल्कुल जेन्युइन होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, इससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा कमेंट फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा, नाइस से कमेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे और आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको थ्री टिप पे क्लिक करना है और थ्री टिप पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको नीचे यहाँ पे हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि हेल्प सेंटर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट हैं, जो भी आपने रिसेंटली जो आपने शॉपिंग किया हुआ है, उसका मेनू खुल जाएगा फ्रेंड्स। बट आप अगर चाहते हैं कि दूसरे भी किसी चीज़ पर अगर रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं कस्टमर केयर से, तब भी आप यहाँ से बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कोई भी ले लेता हूँ, प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर कस्टमर केयर मुझे बात करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा फ्रेंड्स और यहाँ पे सबसे नीचे आऊँगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे आप, आपको नीचे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आई वांट ट्रैक माय ऑर्डर, आई वांट मैनेज माय ऑर्डर, आई वांट हेल्प विद द रिटर्न एंड रिफंड, ठीक है, आई हेल्प विद द अदर इशूज। तो यहाँ पे आप अदर इशूज पे भी क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अदर इशूज पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी इशू आपका है उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोई भी एक इशू ले लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं यहाँ पे पेमेंट या ऑफर रिलेटेड क्वेरी कर लेता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट कैशबैक अप्लाई कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे सीधा आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जेन्युइन होता है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल पे क्लिक करना है। जैसे रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद आपको यहाँ पे सलाह टीम कर देना है कितने मिनट में आप नेक्स्ट 6 मिनट में बात करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपका जो भी मैसेज है उसको डाल के आप फ्रेंड्स आपको सबमिट कर देना है। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पे एक कॉल आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली अपने फ्लिपकार्ट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कैश करो से आप फ्री में कैशबैक कमाना, वहाँ से अगर शॉपिंग करके कमाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको एक मेनू में बटन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे आप क्लिक करके कैश करो का एप्लीकेशन का वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स।